उड़ीसा में पुरी तट के पास टकराया चक्रवाती तूफान फोनी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, समुद्री तल में ऊंची लहरें, तेज हवा के साथ तेज धार बारिश। उड़ीसा में 9 जिलों के 10,000 गांव और 52 कस्बों पर किया असर और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भी अलर्ट जारी। चक्रवात तूफान फोनी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयार प्रशासन। उड़ीसा में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 11 लाख लोग। तटीय जिलों में सभी दफ्तर और शिक्षण संस्थान बंद। नौसेना के 3 जहाज और एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें तैनात। उड़ीसा, चेन्नई और कोलकाता में लाइन की 223 ट्रेनें 4 मई तक रद्द। आज भुवनेश्वर की सभी उड़ानें रद्द। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की तैयारियों का किया जायजा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट। चुनाव आयोग ने कहा, बारमर की रैली में परमाणु हथियार को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राहुल गांधी के भाषण को लेकर आचार संहिता की शिकायत को भी आयोग ने किया खारिज। विवादित बयान पर फिर योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग का नोटिस। लोकसभा के पांचवें चरण के लिए प्रचार पर सिर्फ 32 घंटे बाकी। पांचवें चरण के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान के हिंडौन, बीकानेर और सीकर में जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की लखनऊ के अलावा झारखंड में 3 रैलियां। राहुल गांधी मध्य प्रदेश और राजस्थान में करेंगे प्रचार। मायावती की उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और सिद्धार्थनगर में जनसभाएं। और वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बाद मसूद अजहर पर कार्रवाई करने को मजबूर पाकिस्तान। इमरान खान सरकार ने मसूद अजहर की संपत्ति जब्त करने के दिए आदेश। वैश्विक आतंकी की यात्रा और हथियार बिक्री पर भी लगाई पाबंदी।